सत्वशक है, जादू दू करेगा क्या? हाँ हाँ सत्व शक है, इसीलिए हम बताए आपको। जादू होता है क्या? होता नहीं, लेकिन उसको मतलब भय है ना, काहे नहीं बताता है, क्यों डरता है? डरता कुछ कर देगा। क्या कर देगा? मतलब फेस कर देगा, बढ़ा देगा, घटा देगा। बढ़ा देगा कौन? बढ़ा देगा जो जो जाने मान व्यक्ति है दुनिया में, आप जानते हैं सर कि सब इलाज है लेकिन सब इलाज कहीं नहीं है। और मैं खराब पीने एक नंबर था। अच्छा, नहीं था सही बात नहीं है। कहा सुबह का शाम खरी रात को सोने टाइम जो हम मान लें, बहुत से ऐसा आदमी लोग है दवा लाता है ना, और दवा है लाके एक दिन रखा फेंक दिया अपने शुरू कर दिया। अच्छा। तो साफ बोलते है का है, तो हमारा हुआ था जोड़ी खत्म हुआ, अभी चल रहा टीवी। बहुत से लोग है ना कि बताता नहीं है, बताता नहीं, बीमारी अचाता है नहीं, तो कि बोलो हम इसको बोल देंगे ना। हाँ। तो हो सका कुछ कर दे। तो आज हम लोग पबरा में जो स्कूल सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम किया, उसमें हमें पता चला कि यहाँ की जो मुखिया है, मुखिया के जो भाई है, उनको टीबी हो गया है। अभी दो महीना पहले ही टीबी हुआ है, तो हम लोग जानेंगे इनसे कैसे टीबी हुआ इन्हें और पहले ये क्या काम करते थे। तो आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ बंगाली राम। बंगाली राम, तो बंगाली राम जी आप बताइए कब पता चला आपको कि टीबी हुआ? हमको तीसरा हफ्ता तक मतलब खांसी चला। हाँ। और चौथा हफ्ता तक हमको कुछ अपने आप में हमको आने कुछ लगा कि कुछ साला खांसी बंद नहीं हो रहा है। हाँ। कारण क्या है? और मैं खराब पीने एक नंबर था। अच्छा, नहीं था सही बात नहीं है। हाँ। का सुबह का शाम। हाँ। खरी रात को सोने टाइम। हाँ। जो हम मान लें आसिक थे, यानी कि पूरा पावरा जानता है इस बात को। अच्छा, ठीक है ना कि हम खराब पीने में आसिक थे, लेकिन अपने आप में अफसोस हुआ था। हम के सदर। अच्छा। हमने चेक कराया, चेक कराने के बाद वो बोले कि आपका टीबी है। तो टीबी है तो टीबी, हम ठीक है सर तो ठीक कीजिए। तो हमको दिए भेज पटकम साली। अच्छा। कि आपको दवा वही मिलेगा। वहाँ गए तो एक पत्ता हमको दवा दिए, और दूसरा बार जब बोला था कि दवा एक दिन का रहेगा तो किसी आदमी लेकर आइएगा आप। अच्छा। अपने साथ में। तो हमारा था लड़का शंभु, उसको ले गए। तो फिर क्या क्या उससे पूछा, उसके पास टीबी बाबू है और इसको खान पीने अलग। फिर वहां से हम आए जब दवा खाने लगे तो फिर भी खाना खाने की इच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा। है ना, फिर भी हमारा जो दमाद है। हाँ। तो उन लोग को कुछ नहीं ऐसा लगा, शक लगा। हाँ। कि टीबी के बीमारी में खाना में कुछ कुछ लोग खाता है। अच्छा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। हाँ। इसका मतलब कारण है। तो उन लोग से हमको ढूंढ लाया ये गांगुली है ना, अमिताभ गांगुली। हाँ। पास ले आया। हाँ। तो वहां लाए, तो वहां लाने के बाद उन लोग बोला, डॉक्टर बोला कि ऐसा कीजिए इसका जोंडिस सर पर चढ़ गया है, तो पहले हमको उसको हटाना है और जो टीबी का दवा आप खा रहे हैं इसको बंद कीजिए। अच्छा। है ना, जब ये ठीक हो जाएगा तो आपका टीबी का तब हम चालू कर देंगे। तो आपको टीबी और जॉन्डिस एक साथ हो गया? एक ही साथ हो गया। जॉन्डिस का दवा खाने के बाद जॉन्डिस ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। तो फिर हम टीबी का दवा भी खा रहे हैं। हाँ। और अभी हम रुपया में चारना ठीक है, अभी ठीक है, मतलब पहले से अच्छा है। अच्छा। तो ये बताइए जो दवा आप जो खाने गए वहाँ पे छह महीने रेगुलर खा रहे हैं कि बीच में छोड़ दे रहे हैं? नहीं कभी छोड़े, अभी नहीं छोड़ रहे। जॉन्डिस का दवा जब चल रहा था ना उस टाइम छोड़े, उस टाइम छोड़ते बस, अभी एकदम रेगुलर खा रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं। तो ये बताइए आप काम क्या करते थे? मतलब हम क्या काम करते थे, हमारा साइकिल दुकान है, साइकिल वहीं रहते थे। अच्छा, तो अभी फिर जाते हैं आप साइकिल दुकान में? हाँ जाते हैं, लेकिन अभी तो काम करने का मतलब काफी नहीं है। अच्छा, कैसा लगता है? मतलब हल्का फुल्का आने काम करते हैं, लेकिन जो जैसा ताकत वाला काम है वो नहीं करते, ताकत वाला काम नहीं कर पा रहे हैं अभी। कि अभी ठीक हो जाएगा तो फिर से वही काम करना शुरू कर दीजिएगा? कौन वाला? वही दारू पीने वाला? नहीं नहीं, वो वाला काम नहीं कीजिएगा? दारू खा नहीं पी अब, नहीं कभी नहीं पीजिएगा? हमको मरना पसंद है लेकिन दारू पीना पसंद नहीं। हाँ। तो ये इसलिए हम कहेंगे सभी भाइयों लोग को, जो दारू पीता है तो पिए, पिए में तो मना नहीं है, नहीं पिए ताकि मैं ठीक रह सके, है ना। और नहीं ठीक है भैया तो जा फिर ऊपर। और ये जान रहे हैं आपकी टीबी में अगर कुछ आप नशा करेंगे तो तुरंत आपका एकदम असर नहीं करेगा दवाई, पता है ना आपको? हाँ, ये बात तो है। तो नशा छोड़ दिए तो आप बहुत अच्छा बात है। तो आपके जैसा लोग अगर सोचने लगे कि मान लिया आपके गांव में कोई और
पेशेंट ऐसा हो जो दारू पी रहा है और टीबी हो गया, उसको आप क्या सलाह देंगे? बस यही सलाह देंगे, और हम देते भी हैं। आप दिखाइए कि हम कैसे छोड़ के ठीक हो रहे हैं अभी। हाँ, अभी दवा से फायदा हो रहा है ना? हाँ, फायदा है, फायदा हो रहा है। तो इसी तरह से दवा आप खाते रहिएगा 6 महीने तो ठीक हो जाएगा। मान लीजिए 6 महीने के बाद आप ठीक हो गए एकदम अच्छा से, तो फिर टीबी भगाने के लिए गाँव से क्या प्रयास कीजिएगा आप? बस यही कहेंगे जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही करो, और नहीं करना तो जाओ सीधे। बहुत से ऐसे आदमी लोग है दवा लाता है ना, और दवा है ला के एक दिन रखा, फेंक दिया, अपने शुरू कर दिया। अच्छा, दवा छोड़ देता है? छोड़ देता है, चला गया। तो ऐसा है, मतलब यहाँ से हुआ है? नहीं, यहाँ से बबरस नहीं हुआ है। बबरस नहीं हुआ है? उन्हें किसी गांव से। अच्छा, और अभी अगर 6 महीना कंटिन्यू खा लीजिएगा तो फिर आपका टीबी एकदम ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, नॉर्मल? हम तो खा रहे 6 महीना, 6 महीने भी हमको खाना पड़े, इससे ज्यादा भी खाना पड़ेगा ना तो हम खाएंगे। तो हर महीना आएंगे आपसे मिलने के लिए? बिल्कुल आएंगे, देखने के लिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, ठीक है। कहीं अभी मोहल्ला में तो किसी को नहीं है? नहीं। ठीक है, मोहल्ला में तो किसी नहीं है। ठीक है, तो हम शायद बाद में किसी को होगा। हाँ, अंग्रिया बहुत से लोग है ना कि बताता नहीं है, बताता नहीं, बीमार आता है नहीं तो कि हम इसको बोल देंगे ना तो हो सका कुछ कर दे। क्यों नहीं बताता है? मतलब वही तो, हम तो साफ बोलते हैं, मतलब बताएगा तो फायदा है ना उसको। हाँ, तो साफ बोलते हैं। हाँ, कावलब है तो हमारा हुआ था जोटी। हाँ, खत्म हुआ अभी। हाँ, चल रहा टीबी। हाँ, तो मतलब जो लोग है गांव में काहे नहीं बताता है, क्यों क्यों डरता है? डरता कुछ कर देगा, क्या कर देगा? मतलब केस कर देगा, बढ़ा देगा, हटा देगा। बढ़ा देगा कौन? बढ़ा देगा जो जो जाने मान व्यक्ति है, मतलब दुनिया में आप जानते हैं सर कि सब इलाज सब इलाज कहीं नहीं। अच्छा, यार रहना तो ही बात है। तो मतलब कैसे बढ़ा देगा, हम नहीं समझे। मतलब कोई आदमी को मान लिया टीबी हो गया, वो बता दिया तो कैसे वो बढ़ा देगा? सत्वशक है, जादू तो करेगा क्या? हाँ, सत्व शक है, इसीलिए हम बताइए ना आपको। मतलब जादू होता है क्या? होता नहीं, लेकिन उसको मतलब भय है ना, उसको भय है ना। स्टिग्मा बहुत बड़ा है, बहुत सा लोग जो है ना टीबी में सोचता है कि जादू टोना कर दिया है तो टीबी है। टीबी के बारे में हम काहे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं? कहे कि बहुत सा लोग जो है ना गांव में, बहुत सा गांव में हम गए हैं तो बहुत सा लोग बोलता है ना कि जादू कर दिया इसको, तो वही बात है ना, फांस रहा है, लेकिन वो इसीलिए दवा नहीं खाता है, वो झाड़ फूक खाता है। हाँ, झाड़ फूक में जाता है, ठीक नहीं होता है, वो 6 महीने के बाद मर जाएगा, बोलेगा भूत मार दिया। हाँ, तो यह है कि टीबी जो है वो बीमारी है और वो दवा से ठीक हो जाता है, ये आपको पता है पूरा अच्छा से। तो यही चीज अगर कोई ऐसा आदमी मिले जो बोल रहा है कि नहीं हमको भूत पकड़ लिया है, उसको बताना है आपको कि आप बिल्कुल बिल्कुल हम यही आदमी कहते हैं। हाँ, जो अभी शराब पीता है शाम सुबह। हाँ, इसको नहीं देते बाबू। हाँ, हमारे साथ तो बासी नहीं था पीने में। हाँ, लेकिन देखो अभी हम कैसा है। ठीक है, पहला तो आपका काम है कि आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि दूसरे को दारू पीने से रोक रहे हैं। हाँ, और दूसरा काम आपका ये भी है कि जादू टोना जो कर रहा है, जो पब्लिक के अंदर जो ये है कि हाँ अरे उसको भय हो गया है कि नहीं इस बढ़ा देगा और घटा देगा टीबी, वो वाला से बचना है। ठीक है, आपको ये समझना है कि टीबी जो दवा से ठीक हो जाता है, झाड़ फूक पे नहीं जाना है। हम तो आज तक न इसको मानते हैं। हाँ, और न मानेंगे। तो जैसे आप नहीं मानते हैं, अपना गांव वाला को भाई बंधु को बताना है। बताते हैं। हाँ, नहीं बताते सब इतने। हाँ, हम सारे बात बताते हैं। हाँ, लेकिन लोग माने तब तो। तो लोगों को बताना है, टीबी बीमारी आप छुपाए नहीं तभी तो हम लोग मुक्त कर पाएंगे। सही बात, किसी चीज को पता चलेगा कि कितना है तब तो हम मुक्त कर पाएंगे। लेकिन ये टीबी है कि दारू छोड़ना होगा और एक तो जादू टोना भी है ना, भूत वाला भी बात छोड़ना पड़ेगा, बीमारी हटाना होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बंगाली राम जी से जिनको अभी टीबी हो गया, इनको पता चला है, लेकिन इन्होंने दारू भी छोड़ दिया और साथ में गांव वालों को यही बताते हैं कि टीबी जो बीमारी है वो दवा से ठीक हो सकता है, झाड़ फूक पे ना जाएं आप।